Question number 18. तो इसमें देखिए, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 28/7 को, तो स्टार्ट कब होगा? मार्च नंबर अच्छा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ करते हैं, फेब में एंड हो रहा है तो मार्च में स्टार्ट होगा, मार्च 1 से फेब 28 तक। पेमेंट की डेट्स मार्क करते हैं, पेमेंट हो रही है जून में, पांच जून ठीक है, जून 5 और जून 6 में। अच्छा ये मार्च है तो जून इससे पहले आएगा, यहाँ पे लिखेंगे जून 1। यहाँ हमने पेमेंट कितनी की है? 600 की। और ये कब तक के लिए होगी? जून से लेकर मई तक, मार्च अप्रैल मई, मई 31। अब सेकंड पेमेंट हो जाएगी हमारी जून 1 से मई 31। 700 आ जाएगा सर, 700 की पेमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा ये हमने फाइनेंशियल ईयर और पेमेंट की डेट्स मार्क कर ली। अब हमें चाहिए मार्च से लेकर फेब तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करने। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मार्च से लेकर मई तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 600 से, ठीक है। एक्सपेंस कौन सा है? इंश्योरेंस। पेमेंट जून में हो रही है ना, ये लिखा ना 1/6, 1 जून, 1 जून छठा महीना जून का होता है ना। कौन सा अच्छा इसमें ईयर को एक तो आप कंसिडर ना करें, कोई मसला नहीं, इग्नोर करके चलें, आंसर वही आगे देखें। मतलब बता देता हूँ करंट ईयर कौन सा? 7 है। हाँ देखिए, ईयर को आप ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 है। लास्ट पहली पेमेंट कब है? जून 6 और फिर जून 6 है, तो ये जून 5 होगा, ठीक है। और ये फिर जून 6 आ गया और फिर ये फेब 7 चला गया ना इधर, एक मिनट ठीक है। सर, हमारे के सर आप सही सही असल में ये होगा आपका यहाँ फेब 7 और ये आपका मार्च 6 है, ये मई 6 हुआ, फिर ये जून 6, फिर ये मई 7 सर, चला, ठीक। इसमें ईयर को कंसिडर ना करें आप, उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए हमेशा यही होगा, एक पेमेंट लास्ट ईयर होगी, एक पेमेंट करंट ईयर होगी, एक पेमेंट लास्ट ईयर, एक पेमेंट करंट ईयर, इसमें हमेशा यही होगा। तो ईयर को आप इग्नोर कर दें, सिर्फ डेट्स पे फोकस करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ ईयर पे फोकस करेंगे और डेट्स पर फोकस करें, ईयर को इग्नोर करके चलें, उससे आपकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये होगा हमेशा एक पेमेंट लास्ट ईयर होगी, एक पेमेंट करंट ईयर, एक पेमेंट लास्ट ईयर, एक पेमेंट करंट ईयर, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, कि लास्ट ईयर की पेमेंट करंट ईयर में एंड होगी, फिर करंट ईयर की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में एंड होगी, तो सर हमेशा ये होगा। तो आप ईयर ना भी लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसके बाद देखिए, मार्च से लेके मई तक कितने मंथ्स हुए? मार्च अप्रैल मई, तो 3 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 600 से into 3/12, और फिर बाकी कितने बच गए? 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे 700 से, ठीक अच्छा है। देखते हैं अब ये बताएं कितना बन गया, वन वन फिफ्टी बढ़िया सर, प्लस और 9 मंथ्स के बताएं क्या बन रहा है अमाउंट? 525 525, ये हो जाएगा 675 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस हो गए और अब प्रीपेड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ फेब में ईयर एंड हो रहा है, तो देखिए 700 से 9 मंथ्स तो हमारे एक्सपेंस हो गए, बाकी कितने बचेंगे? 3 मंथ्स, तो 700 into 3/12, तो 3 मंथ्स के प्रीपेड हो जाएंगे 175। ये आंसर है। 3 महीने कैसे आए? लेकिन जून से लेकर फेब तक कितने मंथ्स हुए? नहीं, तो बाकी कितने मंथ्स बचे आगे? मार्च अप्रैल मई, 3 महीने बदले, फेब में ईयर एंड होगी, इसके बाद मार्च अप्रैल मई, हाँ उसमें से 3 मंथ्स प्रीपेड हो जाएंगे ना, ठीक है। 700 में से 900 के एक्सपेंस हो गए, 3 मंथ्स के प्रीपेड है। और वो 600 वो ये था ना, देखिए मार्च
अप्रैल में 3 महीने, पिछले वो पिछले साल पिछले साल के साल समय जून से। में पे किए थे, तो उसमें से 9 मंथ्स के एक्सपेंस तो पिछले साल चार्ज हो गए, 3 मंथ्स के एक्सपेंस इस साल चार्ज हुए, पर इस ईयर में हमने 700 पे किए, तो उसमें से 9 मंथ्स के एक्सपेंस इस ईयर चार्ज हुए, 3 मंथ्स के प्रीपेड हो गए। तो 2 साल पहले से दिए 12.5 ये मैंने ऊपर लिख दिया ना, देखें ईयर बता देता हूँ, ये गलती है, नहीं कोई गलती नहीं है, ये इस तरह है, फेब मार्च अप्रैल में, ये इस तरह है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जून 5 है, जून से आप आए, यहाँ दिसंबर आएगा बीच में, फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च तो 6 का है ना, ये 6 से स्टार्ट हो गया, लेकिन जून से दिसंबर 2005 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च ये 6 से स्टार्ट हो गया, फिर ये आपका यहाँ पे 6 कहीं पे एंड हो जाएगा दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी किसका आ गया, 7 का आ गया, लिखा हुआ सब ठीक है। ईयर को आप कंसिडर ना करें, उलझ जाएंगे, सिर्फ डेट्स को देखिए बस, ठीक है, मंथ्स को देखें, डेट देखें, ईयर को इग्नोर करें, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 ईयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, 5 6 7, तो ईयर में जाएंगे तो उलझ जाएंगे। ठीक अच्छा, अब ये तो हो गया एक प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का, अब इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, जिसमें ये कि आपको ये टाइमलाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका, जिसमें आपको ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं नहीं होगी। होगी, तो शॉर्टकट तरीके के आप देखें, इसमें सबसे पहले आप देख लेंगे इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, फेब में, ठीक है, यहाँ पे आप लिखे हैं फेब 28, फेब में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, अच्छा पेमेंट की डेट क्या है, 1 जून को पे करता है वो, ठीक है, यहाँ आप लिखे हैं जून 1, तब जून 1 से लेकर फेब 28 तक कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स हो गए, अब 9 मंथ्स के एक्सपेंस आप कैलकुलेट करें करंट ईयर की पेमेंट से, करंट ईयर की पेमेंट से, लेकिन फेब में ईयर एंड हुआ, ये आज क्या है, फेब 28 है, हमने लास्ट पेमेंट कब की होगी, जून में पेमेंट की होगी ना, करंट ईयर की पेमेंट जून में की, और एक उससे पिछले साल की होगी, तो आप देखें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर नोट कर लें, जैसे ये ऊपर देखें ना, समझाओ ये फेब 28 था और ये पेमेंट कब की थी, जून में, आपने क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है वो लिख लें, पेमेंट की डेट नोट कर लें, कितने सब मंथ बने, 9, अब क्या करेंगे हम, 9 मंथ्स के एक्सपेंस आप कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की पेमेंट से, 9 अपॉन 12 ये कितना बन गया, 5 25, अब पीछे कितने मंथ्स रह गए, थ्री, तो 3 मंथ्स के एक्सपेंस आप कैलकुलेट करें लास्ट ईयर की पेमेंट से, लास्ट ईयर कितने पे किए थे, 600, इससे आप 3 मंथ्स की एक्सपेंस कैलकुलेट करें, ये कितना बन गया, 1 50, दोनों को ऐड कर लें, 675 आपके पास तो वही शॉर्ट हो गया ना, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए इसको जरा शॉर्टकट को पिछले क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं, अब देखें समझाता हूँ, पहले बाद में कॉपी कर लेगा समझ लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 इसी शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, अब 16 में आप देखें नोट क्या, सबसे पहले बताएं फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है इसका, फाइनेंशियल दिसंबर ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31, यहाँ आप देखें दिसंबर 31, ठीक है, और अब पेमेंट की डेट 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 3 महीने, अब 3 मंथ्स के एक्सपेंस आप कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की पेमेंट से, करंट ईयर में पेमेंट कितनी है, 1600 करंट पेमेंट है, ×3/12 क्या बनाऊं बना, 400, और पीछे कितने मंथ्स रह गए, 9, तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस आप लास्ट ईयर की पेमेंट से कैलकुलेट करेंगे 1200 से, 9/12 ये हमारा कितना बन गया, 900, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंस हो गया 1300। अच्छा प्रीपेड ही हो गया, ये आपके एक्सपेंस हो गए, अच्छा प्रीपेड के लिए आप क्या करेंगे,
जो करंट ईयर की, देखिए प्रीपेड हमेशा करंट ईयर में से कैलकुलेट होगा ना, ठीक है। करंट पेमेंट कितनी थी हमारी, 1600, इसमें से 3 मंथ्स के हमने एक्सपेंस चार्ज किए, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स ये आपके प्रीपेड हो जाएंगे बस, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स हमने यहाँ एक्सपेंस चार्ज किए 1600 में से, तो बाकी कितने मंथ्स बचे, 9 बस, जो बच गया वो इधर आ जाएंगे। अच्छा 17 सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से हम। अच्छा 17 में देखिए फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, जून 30, जून 30 यहाँ लिख लेते हैं, जून 30 का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। और आप पेमेंट की डेट क्या है इसकी, फर्स्ट अप्रैल को पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे अप्रैल 1। तो अप्रैल से जून तक कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ, तो 3 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की पेमेंट से। करंट ईयर में पे कर रहे हैं 28,800 × 3/12, अमाउंट बताएं 17,200, 17,200, नहीं 7,200, 7,200, ठीक है। आप पीछे कितने मंथ्स रह गए, 9, तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर की पेमेंट से 25,920 × 9/12। एड ये बताएं क्या बन रहा है अमाउंट, 19,440, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 26,640, 26,640 के एक्सपेंस हो गए। अच्छा प्रीपेड के लिए आप क्या करेंगे, प्रीपेड कैलकुलेट करने के लिए, हाँ रिमेनिंग मंथ्स, तो करंट ईयर की पेमेंट थी 28,800, 3 मंथ्स के हमने एक्सपेंस चार्ज किए, तो रिमेनिंग मंथ्स 9, तो 9/12 अमाउंट बताएं 21,600 प्रीपेड हो गए, ठीक है। तो ये इनको सॉल्व करने का शॉर्टकट, तो आपको इसमें टाइमलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही शॉर्टकट यूज करके आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लें पहले, तो देखें अब हम पढ़े थे, अब तक हमने पढ़ा एक्सपेंस की बात की, अब हम पढ़े बात करेंगे इनकम की। अच्छा ये कॉपी कर लिया था हमने, ये भी कॉपी हो गया। अब लिखते हैं एक्रियोड इनकम, ठीक है। अच्छा देखिए एक्रियोड इनकम क्या होगी, होगी क्या, क्या ऐसे डिफाइन करें कुछ एक्रियोड इनकम, हाँ कि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है और इनकम हमें रिसीव नहीं हुई, तो उसे कहेंगे आप एक्रियोड इनकम, और उसकी नेचर क्या होगी, एसेट, ठीक है। और प्रीपेड इनकम कि हमने इनकम रिसीव कर ली है और अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, यानी कि हमने पेमेंट ले ली, एडवांस पैसे ले लिए और सर्विस प्रोवाइड नहीं किए, प्रीपेड इनकम, पैसे आ गए सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी ना, हाँ इसको अनर्न इनकम भी कहते हैं, इंटर में अनर्न बीकॉम इनकम भी, इंटर बीकॉम में अनर्न इनकम के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ हम इसको कहेंगे प्रीपेड इनकम, हाँ एक्यूरेट इनकम है रिसीवेबल, एक्यूरेट इनकम के आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। और प्रीपेड इनकम क्या है, आपने पैसे रिसीव कर लिए अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो ये लायबिलिटी बन गई ना। जैसे देखिए आपने यहाँ TSM एडमिशन लिया, आपने फीस पे किया एडवांस, आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है, TSA के लिए वो प्रीपेड इनकम है, लायबिलिटी कि आपसे एडवांस फीस ले ली है, अब आपको ट्यूशन देनी है, लायबिलिटी होगी, ऐसा नहीं। नहीं एक्यूरेट इनकम, प्रीपेड इनकम, ये समझ में आ गई। अच्छा अब इस पर भी जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल उसी टाइप के होते हैं, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप जिसमें हम टी अकाउंट बनाएंगे और दूसरी टाइप जिसमें टाइम लाइन बनेगी, तो पहले इसके टी अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी कर लें। अच्छा ये हमने एक्सपेंस अकाउंट बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे इनकम अकाउंट, ठीक है। अच्छा पहले वही ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, अच्छा अगर प्रीपेड इनकम है तो प्रीपेड इनकम की नेचर क्या है, लायबिलिटी, इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट पे, और एक्यूड इनकम है तो एक्यूड इनकम की नेचर है एसेट, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए, और फिर ये एक्रूअल्स का ओपनिंग आ गया डेबिट पर और क्लोजिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक।
अच्छा, प्रीपेड इनकम की नेचर है लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड। अच्छा, जब हम इनकम रिसीव करते हैं तो कैन ट्री बनाते हैं। इनकम रिसीव करते तो इनकम डेबिट इनकम रिसीव करते हैं एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, तो रिसिप्ट आ जाएंगी क्रेडिट साइड। अच्छा, इसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे और अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब बैलेंस में कराएगी डेबिट साइड पे, और ये होगी हमारी करंट ईयर की इनकम जिसे हम इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। करेंगे।